उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर के अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कारपेंटर ने व्यापारी हर्ष अग्रवाल की पत्नी रुचि अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर विश्वास खंड में हर्ष अग्रवाल ने हाल ही में मकान लिया था और दीपावली पर भी वो शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर बढ़ई का काम भी उनके भाई के घर पे नीचे ही चल रहा था। इस दौरान जो उनके वहाँ काम कर रहे कारपेंटर गुलफाम थे, उनसे कई बात को लेकर झड़प हुई। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने बताया कि किस तरह से पैसों की डिमांड गुलफाम द्वारा की जा रही थी रोजगार व्यवसाय को करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने मना किया। इस बात से तैश में आकर गुलफाम ने उनकी पत्नी रुचि अग्रवाल के घर पर जाकर उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन पर बर्फा से एक वार कर दिया और बर्फे से वार में रुचि अग्रवाल घायल हो गई। उनकी बेटी इस पूरे मामले को देख रही थी, जहां पर रुचि अग्रवाल ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रुचि को भगाया और जब वो भागी तो नीचे पहुंची। नीचे पर पहुंचकर उन्होंने अपने नौकर नंदलाल से इस बात को बताया तो नंदलाल ने भी पड़ोसियों से बताया, तब जाकर लोग ऊपर पहुंचे, लेकिन तब तक रुचि अग्रवाल अपनी जान खो चुकी थी। वहीं पर पड़ोसी और परिचित जब घर पर पहुंचे तो उन्हें नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जाते जाते काफी खून बह चुका था और इस कारण से रुचि अग्रवाल की मौत हो गई। पर इसका बड़ा खुलासा करते हुए ADCP SM आसिम काबदी ने बताया कि किस तरह से जो गुलफाम कारपेंटर था उसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया, जो कि ठाकुरगंज के फरीदीपुर का रहने वाला था और एक ठेकेदार के माध्यम से रुचि अग्रवाल हर्ष अग्रवाल के घर में काम करने का ठेका भी मिला था, जहां पर पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। डालते हैं इस दर्दनाक खबर पर एक नज़र कि अगर किसी को अपने घर में काम कराना हो कि किस तरह से सुरक्षा रखें, किस तरह से जांच पड़ताल कराएं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। गोमती नगर के विश्वास खंड में व्यापारी डॉक्टर हर्ष अग्रवाल की पत्नी रुचि अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी गई। कारपेंटर गुलफाम से बचने के लिए रुचि अग्रवाल ने खूब संघर्ष किया। इस दौरान सिरफिरा उन पर लकड़ी के छेद करने वाले औजार वर्मा से वार करता रहा। हाल कमरे में लॉबी में चारों तरफ खून फैला होने से रुचि का चश्मा टूटा होने और डाइनिंग टेबल पलटी होने के से अस्त व्यस्त में संघर्ष की तस्दीक भी हो रही थी। उसने रुचि के कुत्ते पर भी हमला किया। अमीनाबाद के गणेश गंज के मूल निवासी डॉक्टर हर्ष अग्रवाल विश्वास खंड गोमती नगर में अपना नया मकान बनवाया था। दीपावली पर ही पत्नी रुचि, बेटी प्रियांशी, बेटी वामिका के साथ मकान के दूसरे तल पर शिफ्ट हुए थे। प्रथम तल पर डॉक्टर हर्ष के छोटे भाई अमित अग्रवाल उर्फ मंटू के रहने के लिए फिनिशिंग का काम चल रहा था। MBBS करने के बाद डॉक्टरी का पेशा ना कर व्यापार को संभालते थे। वह ITC के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ट्रांसपोर्ट नगर में ऑफिस व गोदाम बना रखा है, जबकि मंटू गणेशगंज में एकता एजेंसी के नाम से आटा मैदा घी तेल का थोक कारोबार करते हैं। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल मकान के प्रथम तल पर 2.5 महीने से कारपेंटर गुलफाम और उसका साथी तस्लीमुद्दीन निवासी मड़ियाव काम कर रहे थे। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे रुचि लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ने वाली दोनों बेटियों को लेकर लौटी थी, तभी पति का फोन आया। वह हॉल में बैठी बात कर रही थी कि कारपेंटर गुलफाम आ गया और बेटी वामिका के गले पर लकड़ी में छेद करने वाला औजार बर्मा रख कर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर घबराई बेटी ने कमरे में भागने की कोशिश की और गुलफाम से भिड़ गई। फ़ोन पर रुचि की चीख सुनकर डॉक्टर हर्ष घबरा गए और अनहोनी की आशंका में उन्होंने पड़ोसी और कुछ परिचितों को फ़ोन करके तत्काल घर पहुंचने को कहा। बड़ी बेटी प्रियांशी तुरंत नीचे भागी और गेट के पास बैठे अपने बुजुर्ग नौकर नंदलाल को बताया कि गुलफाम ने मम्मी को चाकू मार दिया है। फिर वह मदद मांगने पड़ोसी के घर में घुस गई। इस बीच रुचि के कमरे में जाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गुलफाम भी कमरे में घुस गया। गुलफाम ने उनके पेट व कंधे और हाथ पर वर्मा से कई वार किए। चंद मिनट में ही डॉक्टर हर्ष के पड़ोसी व कई परिचित घर पहुंच गए और खून से लथपथ रुचि को लेकर लोहिया अस्पताल भागे, मगर घाव गहरा होने से अधिक खून बह जाने के कारण रुचि की मौत हो गई। वहीं वारदात के दौरान घबरा कर
भागने में गिरकर वामिका के पैर में भी मामूली चोट आई है। एडीसीपी पूर्वी एसएम काशिम आब्दी ने बताया कि आरोपी ठाकुरगंज के फरीदीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, वह नशे का आदि भी था। आपको बताते चले कि आरोपी ने कहा था कि आज पैसा चाहिए भले ही जेल हो या फांसी। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने बताया कि कई दशक से काम करने वाले नौकर नंदलाल ने बताया कि जब वह प्रियांशी ने उसे बताया कि गुलफाम ने मम्मी को चाकू मार दिया तो वह गेट के पास पहुंचा। इस बीच हाथ में खून से सना वर्मा लेकर गुलफाम नीचे उतरा और नंदलाल से कहा कि हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। नंदलाल ने बताया कि गुलफाम चिल्ला रहा था कि आज पैसा चाहिए भले ही जेल हो या फांसी। साथी ने रोका तो धमका कर भगाया। पुलिस ने डॉक्टर हर्ष अग्रवाल के घर में काम कर रहे दूसरे बढ़ई तस्लीमुद्दीन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि जिस वक्त रुचि चीख रही थी वह 30 ऊपरी मंजिल पर गया मगर गुलफाम के सर पर खून सवार था और उसने उसे भी मार डालने की धमकी दी और कहा भाग जाओ। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने भी बताया कि सुबह वह बहकी बहकी बातें कर रहा था और मुझसे पैसे मांगने लगा अपने बिजनेस को करने के लिए और कहा कि आपको खूब कमा कर दूंगा। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने कहा कि गुलफाम बहकी बहकी बात क्यों कर रहे हो। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे मगर चालू नहीं। हर्ष अग्रवाल ने हाल ही में मकान में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं मगर अभी डीवीआर नहीं लगा होने के कारण सीसीटीवी कैमरे में चालू नहीं है। इस वजह से रुचि अग्रवाल की हत्या की वारदात गुलफाम के भागने की कोई भी फुटेज कैद नहीं हुई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और इस मामले का खुलासा एडीसीपी एसएम कासिम आब्दी ने करते हुए बताया कि पूरा मामला क्या था। विश्वास खंड में महिला की हत्या हुई है, किसने हत्या की है, किन कारणों से हुई है, तक क्या जानकारी मिली है? आज शाम लगभग 4 बजे के आसपास थाना गोमती नगर पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक महिला जिनका नाम रुचि अग्रवाल है 1/39 विश्वास खंड की रहने वाली है, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, इनको चाकू से इनके ऊपर हमला हुआ। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति इनके यहाँ जो काम करता था, जो कारपेंटर का काम करता था, जिसका नाम गुलफाम पुत्र रईस है, इससे इसने इनके ऊपर चाकू से वार किया है। प्राथमिक उपचार के लिए इनको राम मनोहर लोहिया ले जाया जाता है जहाँ पर कि इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, जो पूछताछ करके जो पता चला, वो कारण यह बताया गया है कि यह व्यक्ति इनसे पैसों की मांग कर रहा था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, जो कि ये इनके द्वारा इनकार किया गया और ये आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के इसने इनके ऊपर वार किया, चाकू से वार किया, जिसके कारण ये इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस टीम तत्काल हरकत में आती है, फील्ड यूनिट्स को बुलाया जाता है, वहाँ से जो साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, तत्काल मौके से टीमों को रवाना कर दिया जाता है जो संभावित स्थान थे उन पर दबिश के लिए। फलस्वरूप इस व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई है। यह मूलतः फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज का रहने वाला है। इस व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई, अरेस्टिंग के पश्चात अभी इसको थाने पर लाया जाएगा, इससे गहनता से और पूछताछ की जाएगी और इसको हिरासत में लेकर के कल इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बॉडी का पंचनामा भर करके इसको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है जहाँ पर कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। अभी जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से यही पता चला है कि यह व्यक्ति नशे में रहता था, ये नशीला पदार्थ लेने का आदि था और ये आक्रोश में आकर के एक बहे की हमला किया है इसने। सर कितने बार किए जिससे? अभी ये तो क्लियरली पंचायतनाम पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियरली पता चलेगा कितने एग्जैक्ट वार हुए हैं। इनके पति का नाम डॉक्टर हर्ष अग्रवाल है, ये व्यापार करते हैं, इन्होंने MBBS किया हुआ पर अपना बिजनेस करते हैं।